हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको WCC3 के न्यू अपडेट का टेस्ट मैच बॉलिंग ट्रिक बताने वाला हूं। तो भाई, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक सिंपल सा फील्डिंग सेटअप को यूज करना है। जो फील्डिंग मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा, अगर आप उसे हूबहू अपने गेम के अंदर कॉपी करते हो तो डेफिनेटली आप भी इस गेम में विकेट्स ले पाओगे। तो गाइस देखो, आपके स्क्रीन पर अभी जैसा फील्डिंग आया होगा, सेम टू सेम आपको इसे ही अपने गेम के अंदर लगाना पड़ेगा। भाई लोग, आप लोग इस फील्डिंग को ध्यान से देख लो। अगर आप इस वाले फील्डिंग को नहीं लगा सकते हो तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप डेफिनेटली इसे लगा पाओगे। तो ये तो हो गया फील्डिंग। बाकी चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप कैसे बैट्समैन को आउट करा सकते हो। तो गाइस, अगर आपके सामने लेफ्टी बल्लेबाज है तो आप अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड से बॉलिंग कराना। और गाइस, आपको बॉल का वेरिएशन और लेंथ और लाइन कहाँ पर रखना है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को सुन लेना। तो गाइस देखो, बॉल में वेरिएशन जो डालना है वो आपको 3 वेरिएशन डालना है लेफ्टी बल्लेबाज के लिए। पहले तो आउट स्विंग, दूसरा स्लोअर बॉल और तीसरा कभी कभी आप ऑफ कटर डाल सकते हो। तो भाई यही 3 वेरिएशन डालना है और बॉल का लेंथ और लाइन क्या रहने वाला है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो भाई लेफ्टी बल्लेबाज के लिए आपको लेंथ और लाइन जो रखना है वो फुल टॉस और एकदम ऑफ स्टंप से सटते हुए रखना है। देखो भाई, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप भी WCC3 के न्यू अपडेट के बाद भी टेस्ट मैचेस में विकेट्स ले पाओगे। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको राइटी बल्लेबाज को भी आउट कराकर दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग ये नहीं बोलना कि ये वाला ट्रिक फेक है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। तो बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि मेरे सामने लेफ्टी बल्लेबाज जितने भी हैं, मैं उसको इसी तरीके से बहुत जल्दी आउट करा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको राइटी बल्लेबाज को आउट करने का ट्रिक भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक WCC3 के न्यू अपडेट का वर्ल्ड कप को फ्री में कैसे अनलॉक करें उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग उसे चेकआउट करना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर गाइस आप लोग उस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आप भी वर्ल्ड कप को बिना कोई अपने जेब से पैसे दिए ही अनलॉक करा पाओगे, तो आप लोग उसे एक बार चेकआउट कर लेना। तो बाकी चलिए अब मैं आपको राइटी बल्लेबाज को आउट करने का ट्रिक बता देता हूँ। तो गाइस, राइटी बल्लेबाज को आउट करने के लिए आपको अंपायर के राइट हैंड साइड से बॉल करना है और गाइस बॉल में जो वेरिएशन रखना है उसमें यहाँ पर चेंजेस करना है। लेफ्टी बल्लेबाज के लिए मैंने आपको आउट स्विंग बोला था, बट राइटी बल्लेबाज के लिए आपको इन स्विंग, ऑफ कटर और वही स्लोअर बॉल डालना है। आप हो सके तो यहाँ पर कभी कभी रिवर्स स्विंग का भी उपयोग कर सकते हो, बट अगर आप इन तीनों को अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको इन तीनों से ही विकेट्स मिलेगा। बाकी आपको लेंथ और लाइन जो रखना है गाइज, वो वही ऑफ स्टंप और फुल टॉस रखना है। अगर आप हमारे बताए गए टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे, जहाँ जहाँ पर मैंने बोला है वहाँ वहाँ पर बॉलिंग करा लोगे, तो डेफिनेटली आप भी विकेट्स ले पाओगे। और भाई ये ट्रिक ऐसा है कि इस ट्रिक से आप अपने अपोनेंट टीम को 0 से 5 या 6 रनों के अंदर ही ऑल आउट करा पाओगे। देखो भाई, चाहे आपके सामने राइटी बल्लेबाज हो या फिर लेफ्टी बल्लेबाज हो, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इस ट्रिक को अगर आप बारीकी से यूज करोगे अपने गेम के अंदर, तो डेफिनेटली आप सारे बल्लेबाज को आउट करा पाओगे। तो भाई लोग, यही था आज का वीडियो। बट अगर आप लोगों को 2023 के लिए एक बेस्ट क्रिकेट गेम चाहिए तो आप लोग इस वाले वीडियो को देखना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।